हाँ तो बच्चों आज की 11वीं का पहले का दूसरा सवाल देखते हैं। आई इक्वल टू इसमें दे रखा है सेक स्क्वायर, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x dx। समीकरण एक मान लिया, समीकरण एक में हम वो एक प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। a इक्वल टू मान लिया 7 माइनस का 4x, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर हमें dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 1.4 डिग्री। समीकरण एक दो और तीन से क्या स्पष्ट है, समीकरण एक से तो पूरी पूरी ये वैल्यू ले ली, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x dx, ठीक है। सेक स्क्वायर इस वैल्यू की जगह 7 माइनस 4x की जगह कितना रखेंगे, समीकरण दो से डी, और समीकरण तीन से dx की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का 1.4 डिग्री, ठीक है। माइनस का 1.4 अच्छा राशि है, बाहर निकल जाएगी, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर की और डी। सेक स्क्वायर टी डी टी का फार्मूला क्या होता है, टेन टी, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स, तो इसकी जगह आ गया टेन टी प्लस सी। सी समाकल कितना होता है, माइनस का 1.4 टेन टी की जगह समीकरण दो से कितना है हमारे पास में 7 माइनस का 4x और प्लस का सी। ये तुम लोगों का आंसर है।